श्री जीते नामग्याल। धन्यवाद। माननीय सदस्य लद्दाख से आते हैं और लद्दाख का क्षेत्र शायद इस देश में सबसे बड़ा क्षेत्र होगा। धन्यवाद अध्यक्ष। और वहाँ के काउंसिल के चेयरमैन भी रहे हैं। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मैं लद्दाख से आता हूँ और इस संसद में एक युवा सदस्य होने के नाते यूथ और स्पोर्ट पे विशेष ध्यान में आकर्षित करना चाहूँगा सरकार का आपके माध्यम से। अध्यक्ष महोदय, लद्दाख में विंटर स्पोर्ट जो है आइस हॉकी का महत्व है, ये केवल लद्दाख में नहीं पूरे भारत देश और विदेशों में भी इसका महत्व है। हमारे लद्दाख के विशेष रूप से नौजवानों युवा युवतियों जो है इस खेल में जोर शोर से रुचि ले रहे हैं और 1970 से लेके ये आइस हॉकी जो है लद्दाख में खेल रहे हैं और लद्दाख से विशेष रूप से युवा युवतियों एशियन चैलेंज कप जो है इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन जो ऑर्गेनाइज करता है 2017 से इसमें 2009 से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ज़्यादातर मेडल जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करके हमारे युवाओं ने भारत के गर्व रखा है। लेकिन हमारे इंडिया में इस खेल का रिकॉग्नाइज स्पोर्ट ना होने के कारण से हमारे बच्चों का लाइफ वेस्ट जाते हैं। इस सर्टिफिकेट से कोई रिजर्वेशन ना जॉब में मिलते हैं ना कहीं मिलते हैं। तो मेरे आपसे आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, आइस हॉकी को रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बनाइए और साथ ही साथ भारत सरकार जो लद्दाख में विंटर स्पोर्ट क्लब की जैसे और भी जो संगठन इसका आयोजित करते हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट दे। सर लास्ट में और इसके लिए इसका महत्व के लिए लद्दाख में आइस हॉकी एकेडमी खुला जाए, ये मैं